आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी बोले तो। अगर लड़की साथ में अगर टट्टी के साथ लड़की खड़ी हो जाएगी तो समझ लो वो टट्टी भी जो है वायरल हो जाएगी, सिवाय मेरे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हे गाइज, इट्स मी अनीस अंसारी। भाई लोगों, सोशल मीडिया पे इस समय कुछ भी जो है वायरल हो जा रहा है, कुछ भी, बस लड़की साथ में होना चाहिए, लड़की साथ में होना चाहिए तो कुछ भी जो है वायरल हो जाता है इस समय। तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है सीजन शादी का। मुझे शादी करनी है बस। आजकल जो है सोशल मीडिया पे शादियां हो रही हैं, शादियां। अच्छा बात नहीं है। शादियों में अक्सर क्या होता है, अक्सर शादी जो है एक लड़का लड़की की होती है, तो आजकल सोशल मीडिया पे जो है शादियां हो रही हैं। बस फर्क इतना है, शादियों में जो है लड़का लड़की शादी करते हैं और सोशल मीडिया पे बुढ़ा और लौंडा आपस में शादी कर रहे हैं। अरे बाबा, बीवी को प्यार नहीं देते अपना वंश चलाएंगे। तू भी फ्रेंक, हमने शादी की है और हम खुशी से रहेंगे। आजकल जो है सीजन चल रहा है शादियों का सोशल मीडिया पे, भाई साहब सीजन चल रहा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता ये लोग हैं कौन, कौन है ये लोग। भाई साहब, ये बुड्ढा जो है इस लौंडे को, इस कुंवारे लौंडे को खुश रखेगा, अपनी पलकों पे बैठा के रखेगा और कुत्ते की तरह जो है सेवा करेगा। ये लोग हैं कौन, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, हैं कौन और कहां से आते हैं। इसके अलावा सीजन तो चल रहा है शादियों का, सोशल मीडिया पे सीजन चल रहा है, लड़कियां बोल रही हैं कि मेरे को शादी करनी है, मुझे शादी बहुत ज्यादा नीड है, जो भी लड़का मेरे में इंटरेस्ट। लड़कियां जो हैं सोशल मीडिया पे दूल्हे ढूंढ रही हैं, लड़कियों को जो है दूल्हे नहीं मिल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे ढूंढ रही हैं। 3 लड़कियां एक लड़के के साथ रहना चाहती हैं, प्लस 50 लाख भी उसे देंगी, कार भी देंगी, फुल अय्याशी कराएंगी। ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। 2 लड़कियां एक लड़के के साथ शादी करेंगी या 3 लड़कियां 1 लड़के के साथ शादी करेंगी, बुढ़िया जो है जवान कुंवारे लौंडे के साथ शादी करेगी, मतलब दूल्हे चाहिए। सोशल मीडिया पे जो है दूल्हे ढूंढे जा रहे हैं। हद तो तब हो गई भाई साहब, कब हो गई बताऊं, कब हो गई, अब हो गई हद। और हम मन पे बाहर जाना, जाने की तैयारी है, टिकटें बुक हो चुकी हैं। हमें मलेशिया 21 साल की लड़की, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। मतलब बुढ़े के जो है ना पैर कबर में लटक रहे हैं और बुढ़े को लौंडिया चाहिए पोती की उम्र की। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। भाई साहब, सोशल मीडिया पे सीजन चल रहा है शादी का इस समय, वैसे भी चल रहा है सीजन और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है सीजन इस समय शादी का। तो क्या नाचो मैं? बताओ, और मामला खराब हो जाएगा। अबे हमारी गर्लफ्रेंड है। क्या क्या? अबे ये लोग हैं कौन भाई साहब, मेरे को बता दो ये लोग हैं कौन। मेरे को बता दो भाई साहब ये लोग हैं कौन, आखिर ये लोग हैं कौन, ये एक्टिंग कर रहे हैं या फिर रियल में शादी कर रहे हैं कहीं पे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जैसे कि ये
इस बुढ़िया को भी जवान और कुवारा लौंडा चाहिए, जिस तरह इस बुढ़े को जो है जवान और कुवारी लौंडिया चाहिए पोते की उम्र की, मतलब पोता पोती खिलाने की उम्र में बुढ़न जो है जवान लौंडिया से शादी कर रहे हैं, और ये जवान लौंडिया भी खुश है बुढ़न के साथ। जिंदगी हो तो ऐसी हो। जिस टाइप की ये वीडियो है ना भाई साहब, इसके ना इंस्टाग्राम अकाउंट पे सैकड़ों पड़ेंगे, सैकड़ों भाई साहब सैकड़ों, और इसके जैसे बहुत सारे अकाउंट हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मैं कह रही हूँ कि मेरा दिल नहीं करता कि मुझे कोई अच्छा कोई मेरे जीवन साथी, मेरी किस्मत में यही थे कि इन्होंने एकदम से प्रपोज किया कि ऊपर वाले ने इनको भेजा ना मेरे लिए। इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों का ना एक अलग ही राज्य है। अच्छा मेरे को पता नहीं है ये लोग कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, लेकिन इन लोगों को देख के ऐसा ही लगता है, मेरे को इन लोगों की ना अलग ही एक दुनिया है। ये इस दुनिया के नहीं है, ये भाई साहब किसी और दुनिया के, और भाई साहब ये जन्मे भी नहीं है, ये सीधे आसमान से टपके हैं भाई साहब। इन लोगों की सोच, इन जैसे ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे, मैं गिनते थक जाऊंगा और बताते थक जाऊंगा, लेकिन भाई साहब लोग ख़त्म नहीं होंगे। सही बात है। और वो अकाउंट भी ख़त्म नहीं होंगे जिन्हें मैं दिखाते थक जाऊंगा कि इस अकाउंट पे ये वीडियो पड़ी है, कि इस अकाउंट पे ये वीडियो पड़ी है, भाई साहब मैं थक जाऊंगा, लेकिन अकाउंट जो है ख़त्म नहीं होंगे। तो मुझे लगता है भाई साहब ये लोग इस दुनिया के नहीं है, ये किसी और दुनिया के हैं, और इनका ना एक खुद का अलग राज्य है, मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब, ये पता ना किस राज्य से हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। तो भाई साहब चकरा जाता हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है जब मैं इनकी वीडियो देख लेता हूँ, और जब मैं इनके कमेंट पढ़ता हूँ ना नीचे, भाई साहब एक एक कमेंट पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, मतलब हंसी आती है। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत सारे कहते हैं भाई मेरे को भी दिला दे या मेरी भी शादी करा दे, मेरे को शादी करनी है, बहुत सारे लोग अपना नंबर देते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनके कमेंट्स पढ़ के। बाकी अगर आपको भी वीडियो देखनी है इनकी, तो ये रहा इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पे जाके जो है देख लेना और मज़े ले लेना। लेकिन भाई साहब ये लोग हैं कौन, भाई साहब कहाँ रहते हैं, अगर ये कभी किसी मोड़ पर पब्लिक के हत्थे चढ़ गए तो फिर इनका क्या होगा। ये मेरे पति हैं, हमारे शादी को 3-4 साल हो गए हैं, इनसे कुछ होता नहीं है और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, तो जो भी मुझसे शादी करना चाहता हो उनके लिए मेरे पति 5 लाख रुपए देंगे और शादी का पूरा खर्चा देंगे। जो भी इसके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है अपना नाम नंबर। पिटाई होगी और क्या होगा। बस यार वीडियो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, बाय। अजीब लोग हैं यार ये।